गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द्रास। तो गाइस कल रात हम पहुंच गए थे द्रास और बारिश बहुत ज़्यादा तेज थी, तो हमने यहीं पे रुकना सही समझा, थोड़े बहुत आगे नहीं गए। वैसे हम थोड़ा बहुत आगे जाने वाले थे द्रास से, बट नहीं गए। और यार आपको मैंने लोकेशन दिखाई सुबह सुबह, क्या ही प्यारी लोकेशन थी यार। ये देखो गाइस, ये लोकेशन है यहाँ की, जहाँ पे हमने टेंट लगा रखा। सामने जैसे टेंट का कवर खोला, सामने ये व्यू दिखा हमें, और वो अपने टेंट लगे हुए हैं सामने। तो गाइस सुबह सुबह ना 9:30 बजे तक आज तो आराम से सोए, क्योंकि हमें द्रास में रुकना है। जो वार मेमोरियल है, कारगिल वार मेमोरियल, वो देख के आना है, इसलिए हम 9 बजे तक सो रहे हैं। और सुबह सुबह यार जब बारिश के बाद की जो धूप निकलती है ना, बहुत तेज़ निकलती है, वो ऐसे लगी ना चुपके। तो हम 9 बजे हम उठ ही गए, वैसे सोने का था कि आज आराम से सोएंगे, रेस्ट करेंगे, और सो नहीं पाए। तो अभी उठ चुके हैं, मुँह हाथ हाथ में धो लिए हैं, नहा तो नहीं रहे बट हाँ मुँह हाथ धो लिए। नीचे एक छोटा सा नाला चलता है, उसी में मुँह हाथ धोए हैं आराम से। और ये बड़ा सा खेत था जिससे हम साइड में रुके हुए थे, किसी से पूछा था हमने, उन्होंने कहा रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पूछ के रुकते हैं, वैसे बिना पूछे नहीं रुकते हैं। और रात को हमने बनाई थी मैगी, आराम से मैगी खाई थी, ब्रेड खाए थे, ब्रेड खा के सो गए थे। अभी फ़ोन वोन चार्ज करेंगे, थोड़ी बहुत देर में चलेंगे, वार मेमोरियल देख के आएंगे, द्रास की जो मार्केट है घूम के आएंगे, कुछ थोड़ा बहुत सामान खरीदना होगा तो वो खरीदेंगे। उसके बाद में आराम से रेस्ट कर देना, रेस्ट करेंगे, कल यहाँ से आगे के लिए वापसी निकलेंगे। तो अभी अपना सामान वगैरह उठाते हैं, टेंट को समेटते हैं। यार जो भी कहो, यहाँ का जो व्यू आ रहा है ना, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही तगड़ा वाला व्यू आ रहा है। ये व्यू देखने को सुबह सुबह जब आंखें खुलती है और सामने ये व्यू दिखता है ना, दिल्ली खुश हो जाता है। तो ये व्यू देखे जा रहा हूँ, काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ मैं। संदीप उधर अपना सामान बांध रहा है, मैं पता नहीं क्यों नहीं बांध रहा सामान। और इस साइड में भट्टा था, इनसे हमने पूछा था, जो ईंटें बना रहे हैं ना, इनसे हम पूछ के रुके थे। और एक बार तो हम रुकने पता है कहाँ वाले थे, इस जगह पर, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर ऊपर वाली साइड, यहाँ रुकते तो और ही खतरनाक भी हुआ था। खैर कोई नहीं, जहाँ भी रुके अब आगे कश्मीर जा रहे हैं। कश्मीर में तो अच्छी अच्छी जगह कैंपिंग करा करेंगे, कैंपिंग का मज़ा ही होता है यार। मेन तो घूमने में ना कैंपिंग के मज़े आते हैं, कैंपिंग का बढ़िया बढ़िया जगह लगाया करेंगे हम। तो गाइस अभी आ चुके हैं मार्केट में, अभी कुछ चाय नाश्ता पराठा वगैरह कुछ खाएंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। पराठा नहीं, चाय के साथ में खाएंगे वाफर खाने, जो हमने लद्दाख में खाई थी, लेह में खाई थी, वही खाएंगे। पहुँच चुके हैं दुकान तक, यहीं पर दुकान, इसमें खाते हैं भाई चाय और वाफर खाने। तो गाइस आ चुके हैं अपने चाय और बाफर खाने, ये लंबे वाली है और ये गोल वाली है। तो पीते हैं अपनी चाय और खाते हैं बाफर खाने। और चाय और बाफर खाने तो ना मस्त लगने लगी, एक बार खाई बाफर खाने दिल में बैठ गया यार। मतलब कहीं भी हो कुछ भी हो, बाफर खाने खानी है। कश्मीर में जब तक है ना बाफर खाने खाएंगे चाय के साथ, बिस्किट वगैरह कैंसिल। ओहो भाई बाफर खाने खाया, क्या मज़ा है यार, बहुत ही ज़बरदस्त। और अभी हम जा रहे हैं वार मेमोरियल के लिए, और जाएंगे हिचहाइकिंग करते हुए, क्योंकि साइकिल हम लाए नहीं है, साइकिल अपनी राम पेरी खड़ी है वहाँ पे। आराम से हम हिचहाइकिंग करते हुए जाएंगे, 5 किलोमीटर लगभग है, क्योंकि हम मार्केट से इस तरफ आ गए थे। पूरी मार्केट में हम जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो मार्केट काफ़ी ठीक है यहाँ का। मेन रोड पे ये मार्केट, काफ़ी सारी दुकान है, मेडिकल है, हॉस्पिटल है, और कॉलेज भी इसी रोड पर आता है, मेन रोड पर। तो हम लिफ्ट लेते हुए जाएंगे, लिफ्ट से जाएंगे हिचहाइकिंग करेंगे, देखते हैं कोई लिफ्ट देता है क्या। और ये है मार्केट यहाँ की, तो कुछ इस तरह की दिखती है मार्केट, मेन रोड पर ही है एकदम मार्केट, जो लेह श्रीनगर हाईवे है उसी रोड पे है मार्केट। देखिए कश्मीर के जो पफ वगैरह होता है ना, ये बेकरी है सामने, फ्रूट की दुकान है, कुलदीप टेलर की दुकान है, कुलदीप भैया टेलर है, और कपड़े वगैरह की दुकान है। तो काफ़ी ठीक है मार्केट, ज़्यादा बड़ी नहीं है, हाँ छोटी है, स्मॉल मार्केट है, अच्छी मार्केट है। तो भाई अपने को लिफ्ट मिली ट्रक में हिचहाइकिंग कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ट्रक में लिफ्ट ली हमने, ये बैठे अपने भाई, ये भाई ने लिफ्ट ली है, ये जा रहे हैं ट्रक से, क्या ही बात है भाई, क्या ही बात है। तो गाइस पहुंच चुके हैं वार मेमोरियल तक, अपने पीछे वार मेमोरियल, अंदर चलते हैं, अंदर भी देख के आएंगे। और यहाँ बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, कैसा है बाहर का व्यू, बहुत काफ़ी मतलब गाड़ियाँ खड़ी हुई है, काफ़ी सारी भीड़ आई हुई है। तो अभी चलते हैं अंदर भी देखेंगे, उससे पहले बाहर लिखा हुआ है कारगिल वार मेमोरियल, और एक तस्वीर सी बनाई हुई है, वो दिखाता हूँ मैं पहले आपको। ये है वॉर मेमोरियल का एंट्री गेट, यहाँ से एंट्री है, चलते हैं अभी अंदर, अंदर देखो वीडियो बना देते हैं, नहीं देते हैं। सो गाइस आ गए हम कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर, और यहाँ पे जब एंट्री आप करते हैं, आपने अगर चप्पल पहन रखी है तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, और पर पर्सन यहाँ पे 50 रुपये लिए जाते हैं अंदर आने के, वीडियो और फोटोग्राफी शूट करने के लिए, वो आपको पे करने होते हैं मेन गेट पे जहाँ पे रिसेप्शन है। तो अभी देखते हैं अंदर जो है सारा, जो विजय दिवस है, कारगिल का युद्ध हुआ था उसके बारे में आपको पूरा बताया गया। सो गाइस ये है एंट्री गेट जहाँ से हम एंट्री किए हैं, अंदर आए हैं, अभी अंदर से हम चलते हैं आगे की तरफ। तो जैसे ही गाइस आप आगे की तरफ जाएंगे,
तो आपको जो शहीद हुए थे युद्ध के टाइम पे उनके स्टैचू दिखेंगे। ये सामने बना रखे हैं, इनके बारे में लिखा हुआ है और ये पूरा सामने तक जाता है जहाँ पे जो जितने सारे अपने वीर शहीद हुए थे उन सबका आगे की तरफ लिखा हुआ है। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे। ये मेन जो रास्ता जा रहा है सामने, ये सीधा ये वाला जा रहा है। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और साइडों में बताया हुआ है जो जो युद्ध में शहीद हुए थे वीर उन सब के बारे में। तो गाइस ये सारे स्टैचू बनाए हुए हैं जो जो युद्ध में शहीद हुए थे, कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए थे। और कारगिल युद्ध कहाँ लड़ा गया था वो सामने पहाड़ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। उससे पहले जो जो शहीद हुए थे उनके नाम वगैरह आगे लिखे हैं वो देखते हैं, कौन कौन थे, कितने थे टोटल, वो बताते हैं आपको। तो गाइस यहाँ पे है अमर ज्योत जो कि 2400 घंटे चलती रहती है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊँ। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जिस पथ जावे वीर अनेक। क्या बात है जी। तो गाइस ये था अंदर अमर ज्योति, और जो पीछे आपको दीवार दिखाई मैंने उन पे नाम लिखा हुआ है 559 जो वीर शहीद हुए थे उस युद्ध के अंदर, ऑपरेशन विजय जिसका नाम था, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा जी शहीद हुए थे। तो आपको अंदर का दिखाया, अभी आपको दिखाते हैं साइड में भी कुछ बना हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं। तो यार सलाम उन सबको जो शहीद हुए हमारे देश की रक्षा करते हुए, हमारे लिए, हम सबके परिवारों के लिए जो घर पे खुश रह सके इसलिए ये बॉर्डर पे शहीद हुए उन सबको एक बार और सैल्यूट हमारी तरफ से। जय हिंद, वंदे मातरम। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं जितने भी फौजी भाई जो शहीद होते हैं उनके यहाँ पे मेमोरी में ये बनाया जाता है, किसी भी कारणवश चाहे वो बॉर्डर एरिया में शहीद हो या फिर कहीं अवलांच में शहीद हो, जिस भी तरीके से शहीद होते हैं उनकी मेमोरी के अंदर ये बनाया जाता है। और काफ़ी सारे हैं, ये लगभग 300+ हैं, किसी भी कारणवश जो शहीद होते हैं उन सबको यहाँ पे बना दिया जाता है, उनके नाम लिखे होते हैं। तो यार कितने सारे देखो शहीद हो रखे हैं यार, सैल्यूट यार सैल्यूट। और सामने वो पीछे देखिए जो फतेह की थी कारगिल जो युद्ध हुआ था उसमें, वो वहाँ पे दिखाया गया है लास्ट में फतेह हुई थी। तो गाइस ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं यहाँ पे शुरुआत हुई थी जो 20 मई को 1999 में जो युद्ध की शुरुआत हुई थी वो इस पहाड़ से हुई थी। सबसे पहले यहाँ से हमने विजय प्राप्त की, उसके बाद में आपको मैं दिखाता हूँ वो सामने देखिए ट्रायंगल में दिख रहा है वो ट्रायंगल पॉइंट है। और ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है ये वाला, ये पहाड़ जाना जाता है कैप्टन विक्रम बत्रा साहब के नाम से, क्योंकि यहाँ पे वो शहीद हुए थे। पहले ये वाला पहाड़ फतेह किया था, उसके बाद में उनकी इच्छा के ऊपर उधर की लड़ाई उन्होंने स्टार्ट की थी। पाकिस्तानी आर्मी ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था तो उनसे फिर लड़ाई करते हुए शहीद हुए थे युद्ध के अंदर। तो ये जाना जाता है बत्रा टॉप के नाम से। तो ये जो युद्ध था 20 मई से 26 जुलाई तक चला था और 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, जो कि कल थी 26 जुलाई, बट हम यहाँ नहीं थे वरना हम देखते 26 जुलाई को जो यहाँ पे फंक्शन होता है, हर साल फंक्शन होता है, बट हम नहीं देख पाए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, इस टाइम मिस हो गया। सो गाइस आ चुके हैं हम बाहर अंदर पूरा देख के, और यार अपने जवानों को अपने वीरों को सैल्यूट बार बार, तो जितनी बार सैल्यूट करें इंडियन आर्मी के लिए कम है।
अंदर एक प्रोजेक्टर से मूवी भी दिखाई जाती 10 मिनट के लिए। भाई रोने लग गया था मैं, सीरियसली रोने लग गया था। तो क्या दिखाया गया, क्या बताया गया, मतलब कैसे लड़े। जो पीछे पहाड़ है टोलोरिंग, यहाँ पहली लड़ाई हुई, उसके बाद टाइगर हिल। यार मतलब पहाड़ों के ऊपर लड़ाई करना, सच में यार इंडियन आर्मी ऑलवेज ग्रेट। जय हिंद जय भारत, ऐसा हमें बहुत कम देखने को मिलता है कि मतलब हमारी आंख में आंसू आ जाए यार। अंदर इतना मतलब गहराई से दिखाया गया है। तो विक्रम बत्रा सर लड़े थे, और भी बहुत सारे हैं, हमें नाम इतनों को याद नहीं है, बट अंदर बहुत सारे थे, अंदर सबके नाम भी लिखे हुए जो जो इस युद्ध में शहीद हुए थे। जय हिंद भाई, जय हिंद यार। तो अभी चलते हैं वापसी, देखते हैं क्या करते हैं पूरे दिन। वैसे रुकना आज द्रास में ही है, चलते हैं वापसी। आ गए सर वार मेमोरियल, तो जितने भी लोग जा रहे हैं ना सब वार मेमोरियल देख के ही जा रहे हैं, क्योंकि यह चीज़ ऐसी है, एक याद है सभी फौजी भाइयों की, वीरों की, सबकी याद है जो देखनी बनती है। आए तो ज़रूर देख के जाएं। तो दोस्तों कारगिल वार मेमोरियल देख के आने के बाद में हमने खाना वाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, और अभी हम एक जगह जा रहे थे मुस्को वैली। पूरा तो नहीं जाएंगे, 8 किलोमीटर द्रास से, और थोड़ी दूर रास्ते में आए तो यार बहुत ही शानदार व्यू आ रहा था, खेत आ रहे थे। तो यहाँ पे हम रुके हैं, आपको मैं जगह दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ाई करके आए हैं, गर्दन दुख रही है देखो, लेटा पड़ा हूँ हरी घास में यार। मज़ेदार जगह है, दिखाता हूँ, यहाँ अगर कैंपिंग होती ना और भी मज़े आते, व्यू बहुत ज़बरदस्त है ये देखो। तो भाई ये है प्यारी सी जगह जहाँ हम बैठे हैं, ये पीछे के नज़ारे हैं, और वो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है जिसपे बादल आ रखे हैं, उस तरफ है जो जिला, और ये है यहाँ के सारे नज़ारे, इस तरफ है टाइगर हिल। तो ये है सामने द्रास सिटी, जो देखिए कितनी प्यारी लग रही है, नदी चल रही है, भाई बैठे हैं दोनों, फील करेंगे हम भी थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, उसके बाद आगे ले जाएंगे। तो भाई यहाँ आए थे, थोड़ी देर बैठे ऊपर, फोटो वोटो खिंचवाया, बड़ी मस्त जगह थी यार, यहाँ से ऊपर का व्यू क्या ज़बरदस्त आ रहा था, बड़ा ही शानदार। अभी चल रहे हैं यहाँ से नीचे, और यहाँ अभी इस घर में गए थे यहाँ कैंपिंग के लिए, पूछा उन्होंने, हाँ भी बोल दी कि भैया कर लो कैंपिंग, तो विचार बनाते हैं अभी अगर कैंपिंग करते तो यहाँ करेंगे। और यार द्रास बड़ी अच्छी जगह थी, और एक चीज़ और, द्रास जो है ना वर्ल्ड का सेकेंड कोल्डेस्ट जो एरिया ना वो है, यहाँ पे 90s के टाइम पे -60 टेम्परेचर गया था, -60 -60 डिग्री, आइडिया लगा लो -60 कितना आता, मतलब -5-7 में हम जब जाते हैं ना बर्फ़ों में, मेरे को बर्फ़ का बहुत शौक था, मैं एक बार गया बाहर से नहीं, भाई साहब वहाँ क्या बर्फ़ थी यार, मतलब इतना ठंडा मौसम था ना, यहाँ -60 हुआ था यार, कैसे रहे होंगे यहाँ के लोग, कैसे मतलब इन्होंने अपना गुजारा किया होगा -60 डिग्री में। तो आज वर्ल्ड का सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस भी हम घूमे हैं, बट अभी तो ठंड नहीं है, अभी नॉर्मल है, सर्दियों में बहुत ठंड रहती है भाई, बहुत ठंड रहती है पे। तेरा पहुंच गया वर्षा तो वर्षा दे हिसाब दे तेरी दासा तेरिया।